ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, आत एतु मनः पुनः कृते दक्षाय जीवसे ज्योक च सूर्य दृशे। अपने मन की शक्ति को जगाओ, इस आत्मा को परमेश्वर की तरफ को जागृत करो, जिससे तुम उस सर्वोच्च प्रकाशमान परम ब्रह्म तक पहुंच सको। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। मेरु पर्वत पर महादेव शिव कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जगदम्बा पार्वती से कहते हैं, हो प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। हे पार्वती, परमेश्वर की माया अति बलवान है, इस माया ने किस ज्ञानी को नहीं ठगा, कौन इसके द्वारा परेशान नहीं किया गया। एक बार नारायण विष्णु के निकट रहने वाले गरुड़ देवता को मोह हो गया, मन अशांत हो गया, वो मेरे निकट आए। मैंने उनको कहा, तुम मेरु पर्वत पर काकभुषंडी ऋषि के पास जाओ, वो तुम्हारे ही कुल और तुम्हारे ही जैसे धर्म का आचरण करने वाले ऋषि हैं। जो जिस कुल का होता है वो उसकी भाषा को, उसकी बातों को अच्छी तरह समझ लेता है। कछु ते ही ते पुनी मैं नहीं राखा, समझई खग खग ही के भाषा। ऐसा विचार करके उन गरुड़ देवता को मैंने अपने पास नहीं रखा, कि ये मुझसे ज्यादा अच्छा काकभुषंडी जो इन्हीं के कुल के हैं उनकी बातों को अच्छी तरह समझेंगे। तब गरुड़ देवता काकभुषंडी के आश्रम में पहुंचे और उनसे उन्होंने ज्ञान वार्ता की। गरुड़ देवता कहने लगे, हो जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानै सोई। हे काकभुषंडी जी महाराज, ऋषिवर, आपके चरणों में आके, आपके आश्रम में आके, आपके ज्ञान वचनों को सुन के मेरे हृदय को बड़ी शांति मिली है। जो धूप से व्याकुल होता है वो ही वृक्ष की शीतलता और उसकी छाया के सुख को जान सकता है। हो संत विशुद्ध मिलहिं परितेहि,
चित वही राम कृपा कर जेही। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। सच्चे संत, निर्मल आत्मा वाले संत बड़े भाग्य से उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन पर परमात्मा परम ब्रह्म की कृपा होती है। हो मोहन अंद कीन के ही को जग काम न चाव न जेही। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। तब ऋषियों के समूह से घिरे हुए ऋषि काकभुशंडे, जो कि ब्रह्मज्ञानी हैं, उन्होंने कहा, हे गरुड़ देवता, मोह ने अज्ञान ने किसको अंधा नहीं किया, जगत वासना ने काम आसक्ति ने किसको नहीं नचाया। हो तृष्ण के ही न कीन बोरा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाह। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। हे गरुड़ देवता, सुनिए, तृष्णा ने किसको पागल नहीं बनाया, क्रोध ने किसके हृदय को फूंक कर नहीं रख दिया। हो नारद शिव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। नारद, शिव, ब्रह्मा, सनकादिक आदि ऋषि जो मुनियों के भी नायक और मार्गदर्शक कहे जाते हैं, हो त्रिगुण सन्निपात नहीं के ही को न मान मद तजेउ निबेही। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। इन बड़े बड़े आत्मवादियों को, ब्रह्म ज्ञान से निपुण देवगणों को भी त्रिगुण ने, मान और मद ने अछूता नहीं छोड़ा, बिना दुर्गति किए नहीं छोड़ा। फिर सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है। हो जौबन ज्वर
के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जस न नसावा। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। युवावस्था के बुखार ने किसे आपे से बाहर नहीं कर दिया, मोह ममता ने किसका विनाश नहीं किया। हो मत सरकाई कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डोलावा। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। डाह और ईर्ष्या ने किसको कलंकित नहीं किया, सभी को किया। दुख की हवाओं ने किसको नहीं हिला के फेंक दिया, सभी को हिलाया। हो चिंता सांपन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। चिंता रूपी सांपन ने नागन ने किसको नहीं डसा, सभी को डसा है। जगत में कौन ऐसा है जिसको माया नहीं व्यापती, सभी को व्यापती है। हो कीट मनोरथ दारु शरीरा, जे ही न लाग घुन को अस धीरा। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। शरीर रूपी लकड़ी में मनोरथ, मन की कामनाएं और वासनाएं कीड़ों की तरह हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जिसके शरीर में ये कीड़ा न लगा हो। हो सुतवित लोक ईस नातीनी, के ही के मतीन कृत नमलीनी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। पुत्र की कामना, धन की कामना, जगत में मान सम्मान की कामना, ये तीन कामनाएं कही जाती हैं। इन कामनाओं ने भला किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया, सभी की बुद्धि को इन्होंने खराब किया। हो यह सब माया कर परिवारा,
प्रबल अमित को बरने पारा। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। ये सब माया और माया का परिवार काम क्रोध आदि हैं, इनका वर्णन कैसे करें, इनके अंत को कोई नहीं पाता। हो शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। शिव ब्रह्मा और दूसरे बड़े बड़े देवता जिस माया के झपट्टे से डरते हैं, फिर कहो हे गरुड़ देवता, संसारी मनुष्य किस लेखे में किस गिनती में आते हैं। हो जो माया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लखिकाहु न पावा। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। जो माया सारे संसार को नचा रही है काकभुशंडी कहते हैं, हे गरुड़ देवता, ऐसी माया की करनी को लख पाना, इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। हो सोई प्रभ भ्रु विलास खग राजा, नाच नटीव सहित समाज। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। हे पक्षियों के राजा गरुड़, जो माया सारे संसार को, ऋषि मुनियों को, देवताओं को, मनुष्यों को नचाती है, वह माया स्वयं किसी नटी की तरह, नाचने वाली नर्तकी की तरह परमात्मा के इशारों पर, उनके आंखों के इशारों पर नाचती फिरती है। इसलिए उस परम ब्रह्म अंतर्यामी कण कण व्यापी पार ब्रह्म परमेश्वर की हम सबको आराधना करनी चाहिए। उसी परमेश्वर की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। वो परमात्मा कैसा है? हो व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी।
वो सर्वव्यापी अखंड अनंत अखिल विश्व में समाया हुआ अमोघ, उस पर किसी का वार नहीं चलता, महान शक्तिशाली वो परम ब्रह्म वो भगवान है। हो सोई सच्चिदानंद पूरन कामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। वह परमात्मा पूर्ण काम, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सत्त चित आनंद, आनंद का देने वाला, अजन्मा जगत के ज्ञान विज्ञान को जानने वाला, अनंत बल का धाम है। उसी की शरण में हम सबको जाना चाहिए। और भी सुनो वो कैसा है। हो निर्गुण परम गिरा गोतीता, समदर्शी अनवद्य अजीता, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। वो परमात्मा तीनों गुणों से परे, परम ब्रह्म वाणी से परे, मन इंद्रियों से परे, समदर्शी सबको एक दृष्टि से देखने वाला, सब पर कृपा और अनुग्रह करने वाला, अमर अजर और अजय, कोई उसको जीत नहीं सकता, ऐसा वो परमात्मा है। हो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। काकभुषंडी ऋषि कह रहे हैं, हे पक्षियों के राजा, हे गरुड़ देवता, सुनिए, वो माया संसार प्रकृति से परे, वो परमात्मा सबके हृदय में बसा हुआ है, वो ब्रह्म इच्छाओं से रहित, विकार रहित, अविनाशी मृत्यु से रहित है। बहुत से लोग गरुड़ देवता को और काकभुषंडी को उड़ने वाले पंछी समझते हैं, ऐसा नहीं। एक पक्ष शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में विशेष अनुष्ठान करने वाले ऋषि, कृष्ण पक्ष में ये यज्ञ प्रतिदिन चलेगा, शुक्ल पक्ष में हम ऐसा आहार ग्रहण करेंगे, एक एक पक्ष में अलग अलग तरह के संकल्प और साधनाओं को धारण करने वाले प्राचीन ऋषियों को पक्षी कहा जाता था। ये पक्ष व्रत आज भी हमारे जैन समाज में प्रचलित है। अतः हमें अज्ञान में नहीं पड़ना चाहिए,
ये पशु पक्षी पंछी परिंदे मनुष्यों की भाषा में इस तरह नहीं बोलते जैसे काक भुशंडी बोल रहे हैं, गरुड़ देवता बोल रहे हैं। ये मनुष्य शरीरधारी ही ऋषि थे, ऐसा हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हो इहां मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहु न जाही। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर में कोई अज्ञान कोई अंधकार नहीं। जो उस परमेश्वर की आराधना करते हैं उनके मन के सब अंधकार दुख तमस अज्ञान आदि दूर हो जाते हैं। परमेश्वर की शरण में जाके कोई मोह कोई दुख कोई तमस बाकी नहीं रहता। जैसे सूर्य के सन्मुख जाने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा की शरण में जाने से उसकी आराधना करने से जन्म जन्मांतर के हमारे पाप संताप दुख अनिष्ट अरिष्ट सब दूर हो जाते हैं। हो मोह सकल दुख व्याधि मूला, पुनि पुनि उपजत हैं भवशूला। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। जब हमारा हृदय मोह के अंधकार से घिर जाता है, हमारी बुद्धि में अज्ञान चिंता शोक तेरा मेरा अनेक अंधकार भर जाता है, तब दुखों का उदय होता है। जन्म मरण रूपी कांटे उगते चले जाते हैं। हो सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। संसार में उस परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, किंतु जो कर्महीन है जो भाग्यहीन है जो अज्ञान का झंडा हाथ में उठाए फिरते हैं अहंकार की किनोर को गिरने नहीं देते, वे लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी उनको कुछ हाथ नहीं आता। हो विधना जिसे दारुण दुख देवे, उसकी मति पहले हर लेवे। हो नयन दोष जा कहें जब होई, पीत बरन ससि कहूं
कह सोई। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। जिसकी आंखें दुखने लगें उसे चंद्रमा भी पीले रंग का या लाल रंग का दिखाई देने लगता है, और वो कुछ का कुछ कहता फिरे तो इसमें चंद्रमा का कोई दोष नहीं। हो जब जेहि दिसि ब्रह्म होइ खगेसा, सो कह पश्चिम उदय दिनेसा। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। जिसकी बुद्धि में भ्रम हो जाता है तो वो कहता है, या जिसको दिशा भ्रम हो जाता है वो कहता है, सूरज पश्चिम से उग रहा है, उसे मालूम नहीं होता पूरब किधर है पश्चिम किधर है। हो नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप लेखा। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। नाव पर चढ़ने वाला व्यक्ति अज्ञान से मोह के कारण सोचता है जगत चल रहा है, घर वृक्ष चल रहे हैं, जबकि नाव चल रही है, पर सोचता है मैं तो ठहरा हुआ हूं और किनारे के पेड़ मकान चल रहे हैं। अतः हे गरुड़ देवता, बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाने से जगत उल्टा देखने लगता है। कितने ही लोग अज्ञान को ही ज्ञान समझने लगते हैं और ज्ञान की बातें उनको व्यर्थ मालूम होती हैं। हो बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रह दी, कहीं परस पर मिथ्यावादी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। काकभुषंडी कहते हैं, हे गरुड़ देवता, बच्चों को देखो, जब वे चक्कर गिन्नी काटते हैं, हाथ फैला के चक्कर लगाते हैं तो चक्कर खा के गिर जाते हैं और उनको घर आदि घूमते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में उनका अपना सर चकराता है। ऐसे ही जो मिथ्यावादी लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो गुरु संत जन देवगण ज्ञानी पुरुषों को नहीं मानते, वे उनको झूठा पाखंडी और आपस में भी एक दूसरे को मिथ्यावादी कहा करते हैं। इन बातों को और ऐसे लोगों को सदा त्याग देना चाहिए, और जो कल्याण का मार्ग है धर्म आचरण, उसमें
लग जाना चाहिए। हो माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमुनी का बहुविधि लागी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। काक भशंडी कहते हैं, हे गरुड़ देवता, मंद बुद्धि वाले दुर्बुद्धि वाले लोग माया के वशीभूत हैं, वे अभागे हैं। उनके हृदय पर अज्ञान के तरह तरह के पर्दे पड़े हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हो ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान ब्रह्म पर धरही। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। मूर्ख मनुष्य हठ के कारण संशय करते हैं, अपने अज्ञान को परमात्मा पर थोपते हैं। वो ऐसा है, हम तो परमात्मा को जब माने जब वो ऐसा कर दे वैसा कर दे, तरह तरह की बातें बना के अपने जीवन को नष्ट करते हैं। और उनके संग में रहने वाले भी उन धूर्त और मक्कारों की बातों में आके अपने जन्म को नष्ट कर लेते हैं। हो संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। अज्ञान और अभिमान अनेक प्रकार के दुख और शोक को देने वाला है। अभिमानी जड़ बुद्धि वाले लोग जन्म मरण में पड़े हुए अनेक अनेक प्रकार के दुखों को सहते रहते हैं, इनसे दूर रहने में ही कल्याण है। हो ताते करहीं कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। जो कोई परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं, अपने सेवकों पर बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम रखने के कारण जगतपति परमात्मा उनके दुखों को, उनके अज्ञान को, माया को अलग कर देता है, उनकी बुद्धि के अंधकार को दूर कर देता है और अपनी कृपा का अमृत बरसाकर उनको पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा बना देता है। चाहे उसमें
भक्तों को कुछ कष्ट भी उठाने पड़े तो भी परमेश्वर इस बात की चिंता नहीं करता। वो तरह तरह से अपने भक्तों को धो धो के, छेत पीट के पवित्र और निर्मल बना लेता है। हो जिमी शिशु तन व्रण होत गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। काकभुशंडी गरुड़ देवता से कहते हैं, हे गरुड़ देवता, जैसे बच्चे के कोई फोड़ा हो जावे तो माता कठोर हृदय होके वैद्य के ले जाके उस फोड़े को चिरवा देती है। बच्चा कितना ही छटपटाता रहे, रोता चीखता रहे, ऐसे ही परमात्मा अपनी शरण में आई हुई आत्माओं को वो जानता है किस विधि से इनको निर्मल करना है, और वो उनको पवित्र आत्मा बनाकर ही छोड़ता है। हो जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। हे गरुड़ देवता, यदि जीव उस परम ब्रह्म के ज्ञान में एक रस सदा रहने लगे तो कहो उस ब्रह्म में और इन जीवों में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए ये जीवात्माएं कभी ज्ञान में, कभी अज्ञान में, कभी सत्संग में, कभी कुसंग में भटकती फिरती हैं, किंतु निर्मल हृदय वालों को चाहिए सदा सत्संगत में रहें, सदा सत्पुरुषों का ही संग करें। दुराचारी, व्यभिचारी, निशाचर जैसे लोगों का कभी संग ना करें। उसी में सज्जन मनुष्यों का कल्याण होता है। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। 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 सकल सृष्टि के तुम स्वामी। सकल सृष्टि के तुम।